नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम का आदर्श हम सबके लिए सुख का संदेश है। प्रधानमंत्री जी ने सभी अतिथियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है। आज हमारे राम आ गए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। कंठ अवरुद्ध है, चित उत्पल में लीन है, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। यह पल पवित्रतम है, आज नव इतिहास का सृजन हो गया है। यह समय सर्वकालीन अमित रेखाओं से खींच गया है। संविधान में भगवान राम का विराजमान है। न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। आज शाम दीपोत्सव मनाइए। सागर से सरयू तक उत्साह भाव छाया हुआ है। भारतीयों के मन में राम है, पर्व में परंपराओं तक राम है। राम रस जीवन प्रवाह की तरह बहता रहता है। राम कथा असीम है, रामायण अनंत है। नवीन जायसवाल, इंडिया समाचार से हिंदी दैनिक फैजाबाद की आवाज़, रिपोर्टर एंकर की खास रिपोर्ट।
जन्मभूमि से आप पधारी हैं, राम जन्मभूमि, आपके विचार आज? आज बहुत ही गर्व का एक महसूस हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर में है, उसी घंटे मंदिर में हम लोग बैठे हैं और इतना एक अवसर मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो कभी बहुत साल पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अभी आज हो रहा है। इसका अवसर जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम और हमारे पूरे देश के वासी। हरे कृष्ण।